रखें तो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं यूएई में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। तो अच्छा। बाईस करोड़ अब क्या कर रही है? आटे चीनी घी के लिए बच्चों समेत यहाँ पे लाइनों में लगे हुए और कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान को जो है ना बदनाम किया जा रहा है, जहाँ के ये वही ममालिक है जो हमसे पहले बेशुमार चीजें जो है ना इम्पोर्ट करते थे। अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा, लेकिन ये हिंदू दुश्मनी, काफर मुसलमान काफर, ये चीज इनके जहन, यानी ये लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलावस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीजा बैन कर दो। पाकिस्तान का 55 से ज्यादा परसेंट लोग गरीब है, क्या करे? एक मिडिल क्लास फैमिली भी कहाँ कहाँ तक करे? अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपका काम ही है भीख मांगने। हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के और वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन के उनके ऊपर वीजा भी बैन नहीं किए जाते, बल्कि उनके वीजा को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई है और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो ना डेवलपमेंट कंट्री लिस्ट में आए ही ना, ये अनडेवलप्ड ही रहे, देयरफॉर वी आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हम कहते हैं हर चीज में तो हम बैकवर्ड हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, यूरोप के अंदर पाकिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो हरकतें हैं उससे यूरोप के जो जितने भी देश हैं वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और अब यूरोप के अंदर पाकिस्तानियों को टाइट किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर आज की मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं, यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलावस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीजा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? यस, दे आर राइट। देखें, मैंने जैसे पहले भी एग्जाम्पल दे रहा था यूएई की, यूएई में जो हम बेसिक से चलते हैं, जब वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना, उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं यूएई में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे। बिल्कुल तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम कर ना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजें कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती? हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के और वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन के उनके ऊपर वीजा भी बैन नहीं किए जाते, बल्कि उनके वीजा को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। अब इंडियन की बात की, इंडियन भी बहुत है जो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं। बट बात वही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी, जो हमारी इतनी वीक है और हमारे रिलेशंस इतने वीक हैं कि वो हमें कुछ समझते नहीं है। इंडियन पावरफुल है, पावरफुल है, वी कैन से इट। अगर इंडिया की पावरफुल ही देखें ना, तो लास्ट स्टेडियोज में मोदी ने अपने 8 इंडियन नेवी, जिनको फांसी कतर में देने का ऐलान किया गया था, उनको छुड़वा लिया और वापस इंडिया बुला लिया। तो उनका पावरफुल का यही एग्जाम्पल है कि वो इतने पावरफुल है कि देने वाले फांसी को वापस बुला लिया अपने मुल्क। जी बिल्कुल, मैंने वही बात की, पॉलिसीज अगर वीक है ना तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा अपनी हमारे साथ ना, हमारे हमें कोई प्रेफरेंस देगा। हमारी पॉलिसीज इतनी वीक है, हमारी कंट्री में कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है,
कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आगे उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी रीज़न है जो हमारी ऐसे में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, जिस तरह से इंडिया के 10 या 5 से 7 ममालिक में पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं और हर जगह पे इंडिया का सिक्का चल रहा है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट की बड़े बड़े मतलब वो चीज़ हो तो वो भी इंडिया की जाती है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इंडिया ने, मैं पिछले दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि 18 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपीज़ हैं उस पर ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान देख लें, हमारी तो इकॉनमी इतनी वीक हो रही है, हम तो मतलब ये सोच भी नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेक होते हैं, ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुँचे और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो जूश भी चलाते हैं और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ काफ़ी सारे प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं, तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपोगंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इन माई ओपिनियन। इंडिया कर सकते हैं, जूश कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज बैन करने हैं, दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज, फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है दुनिया के अंदर, इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उमरा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो हैं बदनाम हुए हैं और ऐसे प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर भी और सारे मामला जो हैं के खिलाफ प्रोपोगंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह के नहीं है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि आपको भी पता होगा, आपने भी कई बार देखा होगा कि जो पाकिस्तानी हैं वो जो अरब के कंट्रीज है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ये पाकिस्तानी जो यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पर जो 2 नंबर के काम है, जो गैर कानूनी काम है वो करना शुरू कर देते हैं। तो अब वहाँ के जो कंट्री हैं, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी ये पाकिस्तानी रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसे परेशान हो चुके हैं। तो अब यूरोप के अंदर क्या हो रहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जो पाकिस्तानी वहाँ पर जो 2 नंबरी काम करते हैं ना उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो थी और यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो भी आपने देखा है। तो आपने जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि पाकिस्तानियों को कभी अपनी गलती दिखाई नहीं देती, जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी वो बता रहे थे कि ये जो है ना भारत वाले और इसराइल वाले जो है ना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए सब करते हैं, तो ये बातें तो इनको याद होती है लेकिन अपनी गलती इनको दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार के इनके काम हैं, जो ये विदेशों में जाते हैं वहाँ पर रहते हैं और फिर जिस प्रकार के काम करते हैं, तो अभी तो कई सारी वीडियो आपने भी देखी होगी जहाँ पर ये बताया जाता है कि अब तो यूरोप ने धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू किया है, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि पाकिस्तानियों के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा एक्शन होंगे। तो बाकी आपने वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।